तो दोस्तों आज हम बनाएंगे ये वाला काउंटडाउन टाइमर जो कि 5 से 1 तक जाता है। आप 10 के लिए बना सकते हैं, 10 टू 1। ठीक है, सबसे पहले हम ओपन करते हैं हमारा पिक्सल लैब। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को एडिट कर रहा हूँ और सबसे पहले नंबर दे रहा हूँ मैं 5, क्योंकि 5 से 1 तक कर रहे हैं तो 5 दे रहे हैं। अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइड में, और यहाँ पे देखिए इसका फॉन्ट जो है चेंज कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है, तो अगर ये फॉन्ट पैक आप भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसका एक लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फैकन, ये वाला मुझे अच्छा लगता है, मतलब इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, सिंपल भी है और थोड़ा सा फंकी भी है। तो चलिए हम यहाँ से उसका बैकग्राउंड का जो कलर है उसे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और ब्लर रेडियस जो है एकदम कम कर देते हैं, जीरो कर देते हैं उसे। ठीक है, आउटर ग्लो थोड़ा बढ़ा देते हैं और ऑफसेट को यहाँ पे थोड़ा सा राइट और थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, वाइट के बैकग्राउंड में यहाँ पे देखिए रेड कलर का यहाँ पे उसका बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और अभी हम उसका इनर जो पार्ट है उसमें हम ग्रीन कलर या फिर ब्लैक कलर दे देते हैं, डीप ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन। अभी चलिए हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं और ये ग्रीन कलर दे देते हैं ताकि ग्रीन इफेक्ट आएगा जब हम क्रोमा की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी इसे हम सेलेक्ट करके सेव कर लेते हैं एकदम अल्ट्रा में, एकदम हाई रेजोल्यूशन में। हो गया सेव आपका। अभी हम 5 को एडिट करके इसे करेंगे 4, क्योंकि 5 4 3 2 1 चाहिए, तो हम 5 से इसे एडिट करके फिर 4 तक ला रहे हैं। ठीक है, फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे करके एक एक करके आप यहाँ पे सेव कर लीजिए उसे। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे अल्ट्रा में सेव करिए आप, 5 4 3 2 1। चलिए मैं एक एक करके अभी सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा कट करके बना रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम ओपन करते हैं हमारा काइन मास्टर। काइन मास्टर में जाके न्यू प्रोजेक्ट में सिलेक्ट कीजिए, 16:9 का जो रेशियो है उसे सिलेक्ट कीजिए, एक बैकग्राउंड वीडियो यहाँ पे इंसर्ट करिए। ठीक है, बैकग्राउंड वीडियो जो है इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा। ये वाला बैकग्राउंड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगा, तो जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप ट्रिम कर लीजिए। मुझे बस चाहिए यहाँ से जब वो फ्लैश होगा, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट साइड का मैं ट्रिम कर देता हूँ, इतना छोटा सा ही पार्ट चाहिए मुझे। फिर उसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और 5 चाहिए मुझे, क्योंकि 5 4 3 2 1 5 होगा तो इसलिए 5 यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड चाहिए। उसे मैं कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट मार देता हूँ। ठीक है, अभी इसका स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1.5 रखता हूँ मैं, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से होगा। अभी हमें यहाँ पे अपने उस लेटर्स को डालना है। लेयर में जाइए, मीडिया में जाइए और यहाँ पे सिलेक्ट करिए वो जो 5 4 3 2 1 था हमारा। सबसे पहले 5 ला रहा हूँ मैं, ठीक है, इसे भी अपने हिसाब से थोड़ा ट्रिम कर दीजिए और क्रोमा की के हिसाब से इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव कर दीजिए, और थोड़ा इसे आगे पीछे मास्किंग जो है थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए ताकि क्लियर एकदम बना रहे आपका जो लेटर है। ठीक है, इसे भी एकदम मिडिल में सेव कर लीजिए आप सेट करके। ये देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसे हम ट्रिम कर लेते हैं लेफ्ट की तरफ, जहाँ तक मुझे चाहिए बस उतना ही मैं ट्रिम करके रखूँगा। जैसे ही मतलब ये वीडियो चलेगा और एंड में आपका 5 आना चाहिए। ठीक है, अभी इसका हम इन एनिमेशन करते हैं कैसे वो एंटर करेगा। काफ़ी सारे एनिमेशन हैं, आप जो भी एनिमेशन आप चाहें यहाँ से आप वो एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एनिमेशन सिलेक्ट करता हूँ, ये स्केल डाउन वाला, ऐसा लगेगा जूम आउट होके वहाँ पे वो आ रहा है। देखिए प्ले होगा, ये अभी वो थोड़ा लटक रहा है लेकिन आपका जब बन जाएगा पूरी तरह से वीडियो तब वो एकदम स्मूथली चलेगा। ये देखिए, चलिए अभी इसे कॉपी करके हम यहाँ पे डालते हैं। कॉपी करके आपको 5 बार कॉपी करना है और 5 बार आपको एंड में डालना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इसे बस पकड़िए, कॉपी करिए और एंड में डालिए। 5 हो गया। अब इन 5 को आपको एडिट करना है, जाकर यहाँ पे रिप्लेस में क्लिक करना है और 5 की जगह यहाँ पे 4 को सिलेक्ट करना है। तो क्या है, आपको बार बार वो क्रोमा की हटाना नहीं पड़ेगा, उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, 5 की जगह यहाँ पे 3 डालना है, फिर यहाँ पे उसके बाद 2 डालना है, फिर 1, ऐसे करके 5 4 3 2 1 आपका पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ लेकिन आप चाहें तो आराम से टाइम लेके और भी बढ़िया बना सकते हैं। मैं बस ट्यूटोरियल बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए 5 4 3 2 1 मेरा रेडी हो गया। अभी हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे उसका जो इन एनिमेशन है वो थोड़ा चेंज करेंगे। सबसे लास्ट में चले जाइए इन एनिमेशन का, एक है रबर स्टैम्प, देख रहे हैं, सबका यहाँ पे रबर स्टैम्प में सिलेक्ट कीजिए। रबर स्टैम्प एकदम अच्छा लगता है, वो जूम आउट होके एकदम फिक्स हो जाता है उसमें। ठीक है, बढ़िया लगता है वो। तो चलिए अभी प्ले करके देखते हैं। ये देखिए चल रहा है, थोड़ा थोड़ा लटक रहा है लेकिन जब वीडियो पूरी तरह से बन जाएगा आप रेडी कर लीजिए इसे 1080p में, या जिसमें भी आप सिलेक्ट करके सेव करना चाहें कर लीजिए, बहुत जल्दी सेव हो जाएगा ये, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं। जैसे ही सेव हो जाता है हम अभी देखिए प्ले करेंगे, वो एकदम स्मूथली चलेगा। देखिए ये देखिए,
5, 4, 3, 2, 1 एकदम स्मूथली चल रहा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.